मैगी की अहमियत हॉस्टल और घर से दूर रहने वालों के अलावा कौन ही जान सकता है, और मैं भी तो हॉस्टल का ही निवासी हूँ। तो बस आज का व्लॉग भी हॉस्टल में बनने वाली उसी मैगी के ऊपर है। गाइस रात में पढ़ाई फिनिश करने के बाद सोने जा ही रहा था तो मुझे लग जाती है बहुत तेज भूख, और रूम में खाने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन कुछ हो ना हो, एक मैगी का स्टॉक तो हमारे पास हमेशा रहता है। फिर क्या था, निकालिए 4 महीने से ना धुली हुई केटल और रगड़ रगड़ के इसे धो के इसे चमका देता हूँ। और यार वैसे तो मेरे रूम में पीने के लिए पानी भी नहीं होता, लेकिन आज मैंने इन सब की व्यवस्था पहले से करी हुई थी। फिर काटा टमाटर प्याज और कर दी इसको बनाने की प्रोसेस स्टार्ट। केटल में डाले घी क्योंकि तेल तो था नहीं, फिर डाला प्याज टमाटर मैगी मसाला और मैगी वाला मसाला, और अच्छे से मिक्स करने के बाद ऊपर से डाल दिया पानी। फिर थोड़ी देर उबलने के बाद मैगी की पस्ती तोड़ के उसमें डाल देते हैं मैगी, और अच्छे से मिक्स करने के बाद करने लग जाते हैं इसके पकने का इंतजार। खुशी देख रहे हो चेहरे में, जैसे अभी थोड़ी देर में कुछ अवार्ड मिलने वाला हो। 10 मिनट के इंतजार के बाद बन जाती है हमारी मैगी और हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। अब मैं करता हूँ मैगी एंजॉय और आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।